हैंड वॉश है तो असं अपने ब्रशिज वगैरह ये रख सकते हैं। सो होर तुहानू अगे दिखाने ये अलग अलग कलर्स के भी आ जाता है, किन्ने प्यारे प्यारे कलर्स ने। ये भी तुसी देख लो जी कितना प्यारा जा पर्स है। सो बेहद खूबसूरत है चीज़ा ने। जड़ी लखां दा माल है कखां च बेचदा पिया, तुसी इत्थे एग्जीबिशन ते आ जाओगे तो मजा आ जाऊगा। लो जी घड़ियाँ तो तुसी बहुत देखे होनी है ना, यानी टाइम पीस तो बहुत देखे होने ने, पर अज तुहानू एक अजिहा आर्ट दिखाण लगे आ जिन्हों देखण तो बाद तुहाडे भी होश उड़ जाणगे। शायद तुसी अजिहा आर्ट पहला नहीं देखा होना है। तुहानू इकली इकली पहला चीज़ दिखाने आ। सब तो पहला वो जिहड़ी मैनू पसंद आई सी वो दिखा दो जी। ये तुसी देख लो ये टाइम पीस ने, बेहद खूबसूरत ने। इन्हां दा तुसी आकार देख लो, इन्हां दा साइज़ देख लो, तो सब तो वड्डी गल है कि किन्ने खूबसूरत तरीके दे नाल इन्हां नू कलर किया होया, किन्ने सोहणे तरीके दे नाल सजाया होया। तो उस दे नाल ही वो सैकेंड आ जाती है, मल्टी कलर्स दे विच आ जाती है, तो वह भी तुसी देखो। सो बेहद खूबसूरत तरीके दे नाल इन्हां नू शिंगारिया होया। उस तो अगे आपां आ जाने टाइम पीस तो इलावा, ये तुसी देखो किन्ना प्यारा आर्ट किया होया। सो बेहद खूबसूरत ये सीनरियां ने, जदों आपां घर दे अंदर लगाने तां घर दी रौनक होर भी ज़्यादा वध जाती। सो अजिहियां चीज़ां शायद नहीं कितने देखण नूं मिलदियां, जल्दी नहीं देखण नूं मिलदियां। सो मैं अज चंडीगढ़ दे विच पहुंची हाँ। जेकर तुसी भी इत्थे पहुंचना है, चंडीगढ़ सैक्टर 17 दे विच ये मेला लग्या होया परेड ग्राउंड। सो तीन दिन का यह मेला है, जेकर तुसी खरीदना चाहते हो तो इत्थे जरूर पहुँचो। इधर भी तुसी देखो जी, ये भी सारिया इस तरीके दे नाल घड़ियां बनाई हुई ने। जेकर तुहानू इस दे विचों कोई भी पीस पसंद आता है तो तुसी खरीद सकते हो, तुहानू प्रॉपर इनू कह लो कि प्रॉपर तुहानू मेनटेन करके दिता जाएगा। सो बेहद वड्डे साइज़ दियां ये टाइम पीस ने। सो बहुत खूबसूरत ने, मैनू स्पैशली ये बहुत सोहना लग्या। खास गल है कि अमन अरोड़ा जी भी स्पैशली इस शॉप के उत्ते पहुँचे ने, इत्थे गलबात की है, जो आर्ट है इसनों भी देख के गए ने। सो इधर भी तुसी देख लो वक् वक् तरह दियां, इत्थे तुसी देख आए एक छोटा साइज़ मैं तुहानू दिखावांगी। ये देखो जी, जो असी कई बार होंगे कि घर के सानू वड्डियां चीज़ां नहीं लगानियां पसंद होंदियां, सो एक छोटे जे साइज़ के विचों टाइम पीस है जो बेहद खूबसूरत है। आई थिंक ये तुसी देख सकते हो पत्थर ते इस नाल ही होर काफ़ी कुछ है, बरीकी दे नाल दिखाया जावे दूर तो इंज लगता है कि पता नहीं केड़ी मतलब चीज़ यूज़ की हुई है, जो खूबसूरती इन्ना ज़्यादा निखर के सामने आ रही है। पर ये तुसी देख सकते हो बहुत ही यूनीक यूनीक चीज़ा इस विच इस्तेमाल कीती हुई ने। पत्थर है, मोती ने, सो ये तुसी रुद्राक्ष भी है। सो वक् वक् चीज़ा दे नाल इसनों बनाया होया है। सो ये तुसी पहला बाहर का देख लिया, हुण तुहानू अंदर का भी जरूर दिखावांगे। सिर्फ ये एंट्री है, ये स्टार्टिंग है, अंदर तो भी तुहानू दिखाने कि कुछ तुहानू इत्थे मिलना है। सो वक् वक् तरह के की रिंग्स भी ने, इधर भी थोड़ी जी नज़र जरूर मारो। तो ये तो बाद आ जाता है डेकोरेशंस दी आइटम्स आ जाए ने। ये तुसी देखो बेहद खूबसूरत ये आइटम्स ने। सो एक वक्रा आर्ट, जदों कुछ वक्रा लेना हो ना, खास गल है कि जेकर तुसी हुण कुछ वक्रा लेना है तो तुसी पहुँचो जी सैक्टर 17 दे विच परेड ग्राउंड दे विच पहुँचो। सो इधर तुसी देख लो बहुत सोहनिया चीज़ा ने। जदों असी आ डेकोरेशन दा आ गया, तो इधर असी अपने वॉशरूम दे विच या कह लो कि साडे किचन दे विच भी असी इन्हां चीज़ां नू यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत प्यारे छोटे छोटे सैट बनाए ने, जिथे हैंड वॉश है तो असी अपने ब्रशिज वगैरह ये रख सकते हैं। सो होर तुहानू अगे दिखाने, ये अलग अलग कलर्स दे विच भी आ जाता है, किन्ने प्यारे प्यारे कलर्स ने। सो ये की है, ये तुसी देख सकते हो बहुत यूनीक चीज़ा ने, जो शायद सानू आम जिंदगी दे विच असी खरीदना चाहिए सानू नहीं मिलणगे। सो ये लॉक्ड बैग ने, आई थिंक ये भी तुसी देख लो जी किन्ना प्यारा जिहा पर्स है। सो बेहद खूबसूरत ये चीज़ा ने। सो होर तुहानू दिखाने, ये तुसी देख सकते हो जो असी ड्राई फ्रूट रखना हुंदा है, कोई आ जाता है ना आपां उन्हां लई कुछ वक्खरा रखना है, तो यह भी तुसी देख लो किन्ने प्यारे प्यारे किचन दे आइटम्स ने। सो ये तुसी टी ट्रेज ने। सो बहुत प्यारियां प्यारियां चीज़ा ने जो आम नहीं देखण नूं मिलदियां। तुसी इधर भी देख सकते हो, इधर भी काफ़ी डेकोरेशन का काफ़ी कुछ है, शीशा भी है, उधर भी एक बार नज़र जरूर करो। सो बेहद खूबसूरत है शीशे ने। सो नाल दी नाल तुहानू होर दिखाने, छोटे छोटे मंजे ने बचपन दे विच देखे सी, पर हुण डेकोरेशन दे लई इन्हां चीज़ां नूं किस तरीके दे नाल निखारिया गया है, ये भी तुसी देख सकते हो। सो इधर भी किचन दी आइटम्स आ जांदियां ने, पर काफ़ी यूनीक, जो रोज़ाना किचन की गल करिए जां फिर दुकानां दी गल करिए फिर वही गल आ जांदी कि अजिहियां चीज़ां नहीं मिलदियां।
सो हूँ आप काफ़ी कुछ दिखाता है, ये सिर्फ एक कह लो कि स्टार्टिंग है, तुम होर भी कुछ खरीदना तो बहुत कुछ इतने तो मिल सकता है। सर साडे नाल मौजूद ने विकास जी, सो इन्हां दी तस्वीर भी इत्थे लगी हुई है। विकास जी दे नाल गलबात करदे आ कि आखिर किस तरीके दे नाल ये आइडिया है ते किवें किन्नी कु मेहनत इहदे उत्ते लगदी है। सब तो पहला सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत सत श्री अकाल जी, की हाल चाल? बल्ले 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 बल्ले। सब तो पहले तो अमन अरोड़ा जी भी इतने पहुंचे ने, तो सब तो वड्डी गल है कि जदों पहुंचते ही अंदर है ना, आप मेले के अंदर पहुँचते हैं तो सब तो ध्यान खिंचदा केंद्र बनदियां ने थोड़ियां ये खूबसूरत घड़ियां। सो की कहना चाहते बाजी? सब लोगों का तो थोड़ा आशीर्वाद है कि मेरे स्टॉल नू बहुत एप्रीशिएट मिली है हर जगह तो, हर पास तो, मैं इतने हिंदुस्तान जिते भी गया वहाँ, सो आई गॉट द फर्स्ट प्राइज, टच वुड, गॉड ब्लेस। बाकी जो गल होंदी है कलाकृति दी, पता लगता है चीज़ नू देखण तो बाद कि वाकई आर्ट है, पर वखरापन दी गल करिए जिवें हैंडमेड चीज़ां इत्थे काफ़ी ज़्यादा ने, की वखरा है होर चीज़ां नालों ते इन्हां दे विच? देखो मेरे, मैं जो भी चीज़ बनाई है उनू अंडे तो कट के बनाई है, मतलब इट इज़ आउट ऑफ द शैल, मतलब मैं किसी नू कॉपी नहीं किया, लोग मैनू कॉपी करते पे हूँ हिंदुस्तान नहीं दुनिया, मैनू लोग कॉपी करते पे है क्योंकि यह सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रोंग हो गया, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। मैं जो अपने यूट्यूब पर पाँना तो मैं पूरे वर्ल्ड जो फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते, इंस्टाग्राम के मैसेज आते हैं कि ये तुम किमें बनाया, मैं कहना हूँ मेरा यूट्यूब चैनल देखो तो समझ आ जाएगा। सो लिहाजा है कि जे मैं हिंदुस्तान बह के काम कर सकता है तो आई थिंक मैनू बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं इनू इसे अचीव किया है, और मैनू यूपी गवर्नमेंट ने इसे फर्स्ट प्राइज भी दिता है, पूरा एप्रीशिएट की है मेरे कला नू, और मैं जो भी किया हट के किया है जी, घड़ी बनाई है या किचन का समान बनाया, तुम फोटो देखो यू देखो, शीशे बनाए है, लुकिंग मिरर बनाए है, मतलब हर चीज़ को मैं डिफरेंट बनाया है जी, और भगवान की दया है जी। किन्ना क समा हो गया आर्ट नू तराशदे होया ते किन्ना समा हो गया ये शुरुआत नू? देखो जी तुम हसूंगे, मैनू कितों नहीं सीखिया, मैं तो यूट्यूब तो सीखिया, और मेरी नवासी आई सी कहती पापा नानू मुझे एक प्रोजेक्ट बनवा दो इरेजिन आर्ट का, उसका प्रोजेक्ट बना दिया तो मैं शुरू हो गया, वो तो चली गई अपने घर और मैं शुरू हो गया, बट आज ऐसा है भगवान ने प्यार दिया है और आशीर्वाद है, बल्ले बल्ले हो गई है जी, और जिते जाने बस लोग वाह 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 करते हैं तो आप मौजा लेने। ये आर्ट है जी तो ये आर्टिस्ट ने, तो हूँ सर थोड़े तो यह भी पूछना चाहवा कि जो व्डिया व्डिया असं सीनरिया इतने देख रहे, व्डे व्डे टाइम पीस देख रहे, तो एक ये जरूर हॉल पै जाता है कि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होनी है? कॉस्ट कख नहीं है जी, कौडिया के पा देना पाया वा, 2000 की घड़ी तो लैके 10-15 हज़ार की घड़ी है, जी लखा का माल है कखा च बेचता पाया, तुम इतने एग्जीबिशन से आ जाऊंगे तो मज़ा आ जूगा, थोड़ा आना सफल हो जूगा, गरंटी कहना एक बार आओ और मेरा स्टॉल देखो, तुम लवो या ना लवो, थोड़े आन दे पैसे पूरे मैं दिखा के ही कर दूंगा। सो सर एक बार अपना एड्रेस जरूर दो, अपने स्टॉल का एड्रेस। मेरा मोबाइल नंबर है जी 9501110000, हॉल नंबर 1 दे विच मेरा पहला ही स्टॉल है, तुम अंदर आओ वड़ूंगे तो थोड़े अखा तो मैं पिछे नहीं होऊंगा, तुम्हें मैं भी ऐसे एड्रेस दे विच मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू। विकास जी दे नाल गलबात की है जिन्होंने पूरी जानकारी भी दी है तो कॉस्ट भी दसी है, कॉस्ट नू लेके ये हो जाता है कि फायदा इन्नी कीमत होनी है। सो 2000 तो स्टार्ट है, सो बेहद खूबसूरत घड़ियाँ ने, जो असं नॉर्मल घड़ियाँ भी खरीदते हैं तो मे बी 600-700 तो सानू नॉर्मल ही मिलती है, पर जेकर तुसी कुछ वखरा लेना तो तुसी इत्थे जरूर पहुँच सकते हो। सो उम्मीद करती है कि पेशकश तुहानू पसंद आई होनी है, होर भी तुहानू काफ़ी कुछ दिखावांगे तो चैनल पर तुसी देख भी लियो, नाल दी नाल तुहानू दिखाने कि इत्थे की कुछ वखरा है, तो तुसी जेकर पहुँचना है तो सैक्टर 17 दे प्ले ग्राउंड दे विच तुसी जरूर पहुँचना, इत्थे ही तुहानू एग्जीबिशन देखण नू मिलेगी। सो उम्मीद करती है कि तुहानू ये पेशकश पसंद आई होनी है, अगली बार आवांगे एक नवी पेशकश दे नाल, उदों तक तुसी किते नहीं जाना, देखते रहो फैक्ट न्यूज़।